मध्य प्रदेश के रायसेन में एक मकान से चार लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि घर पर मौजूद एक आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरने वाले लोगों में दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दम घुटने की वजह से सभी लोगों की मौत होने की आशंका जताई। पुलिस के मुताबिक मकान के कमरे में एक अंगीठी में कोयले जलाए गए थे। आशंका है कि कमरा बंद होने की वजह से कोयलों से निकली जहरीली गैस की वजह से सबका दम घुट गया। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह पता चलने का दावा किया। कमरा चूंकि बंद था, उसकी खिड़की भी बंद थी, दरवाजा भी बंद था, वहाँ पर एक सिगड़ी रखी हुई थी, सिगड़ी में जो रेलवे का कोयला रहता है वो भी था उसमें। तो एक जो हम संभावना मान के चल रहे हैं कि हो सकता है वो सिगड़ी जलाते जलाते सो गए हों और जो जहरीली गैस है उसकी वजह से ये हादसा हुआ। दूसरा, इसमें हम पॉइजनिंग को भी हम एक लाइन पर वर्क कर रहे हैं, पॉइजनिंग केस भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस भावांतर भुगतान योजना को लागू किया था उसे मौजूदा सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया। भावांतर भुगतान योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए लागू की गई, लेकिन कमलनाथ सरकार की दलील है कि भावांतर भुगतान योजना से किसानों का नुकसान हो रहा था। जो सपोर्ट सरकार देती थी उससे उसका नुकसान ही किसानों को होता था। भावांतर भुगतान योजना पर सरकार ने ताला लगाने का ऐलान किया तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसे निशाने पर ले लिया। आप कोई सुधार करो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन भावांतर क्यों बदलोगे भाई, मैं बदलने नहीं दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी कि वो उनकी सरकार में शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना को बंद नहीं होने देंगे। इस योजना पर टकराव की वजह कई है। हाल ही में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो भावांतर भुगतान योजना को पूर्व शिवराज सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर पेश किया गया। सियासी घमासान की वजह से ये योजना पूर्व सरकार का चेहरा बनकर रही, जिसे सरकार बदलने पर बंद करने की चर्चा भी काफी बार हुई और सरकार बदलने के बाद ऐसा हो भी गया। कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया। भावांतर भुगतान योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए लागू की गई थी। योजना का मकसद यही था कि किसान अपनी फसल बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम में बेच सकते थे। उन्हें इससे जो नुकसान होता उसकी भरपाई सरकार करती थी और इस तरह किसान नुकसान उठाने के बाद भी सरकार की मदद से अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते थे। लेकिन मौजूदा सरकार की दलील है कि पिछली सरकार की ये योजना किसानों के लिए नुकसान की वजह बन रही थी और बाजार में किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न खरीदने का भी ट्रेंड शुरू हो गया। हालांकि खबर यह भी है कि इस योजना से सरकार पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ रहा था, जिसे कम करने के लिए योजना पर ताला लगाने की कवायद शुरू हुई।